बात कर रहे हैं एक अच्छे से कंसेप्ट में, और उस कंसेप्ट का नाम है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है क्या। ठीक है, दो अलग अलग इक्विलिब्रियम है और दोनों में एक रिएजेंट कॉमन है। तो जब ऐसा हो रहा है कि एक रिएजेंट कॉमन है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे वो इफेक्ट डालेंगे, और उसी इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो लिखिए, इफ टू और मोर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट इन सेम कंटेनर, सेम क्लोज कंटेनर एंड गेटिंग एटलीस्ट वन कॉमन रिएजेंट, देन ऑल इक्विलिब्रियम इनडायरेक्टली एसोसिएटेड टू ईच अदर एंड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ये तो रहा हमारा डेफिनेशंस पार्ट, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है क्या। लेकिन इसको थ्योरेटिकली हमने समझा, अब कंसेप्चुअली समझते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपके पास कोई इक्विलिब्रियम है जिसमें ए प्लस बी सी प्लस डी के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक और इक्विलिब्रियम है जिसमें सी प्लस ई एफ प्लस जी के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है, क्या ये अलग अलग दो इक्विलिब्रियम है? हाँ। क्या इनमें कोई एक रिएजेंट कॉमन है? हाँ। और वो कौन सा है कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? सी। दोनों इक्विलिब्रियम में, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है। तो यहां हमारे पास जब सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो इनडायरेक्टली ये एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे कहीं नहीं, कहीं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक क्या कहते हैं एक्शन किया, तो उसका रिएक्शन आपको दोनों जगह मिलेगा। मान लीजिए आपने एक्शन किया, आपने बी की कंसंट्रेशंस बढ़ा दी, द अमाउंट ऑफ बी इंक्रीजेस इन कंटेनर, तो पहला वाला इक्विलिब्रियम बिगड़ेगा या दोनों बिगड़ जाएंगे? दोनों बिगड़ेंगे, दोनों बिगड़ेंगे। कैसे? बी बढ़ते ही ये इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, और जैसे ही चेंज होगा तो रिएक्शन किस तरफ, एक्शन हुआ ये, अब रिएक्शन देखना है इसका। रिएक्शन क्या होगा? ए बढ़ते ही रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, फिर उसके बाद क्या दिखाई देगा आपको, फॉरवर्ड में गई, ए की कंसंट्रेशंस कम हो जाएगी, सी की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी, डी की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी। ठीक है, तो सी और डी बढ़ेगा, बी की आपने बढ़ा दी एक बार, तो जब बी की बढ़ा दी तो वो कम होने की कोशिश करेगी, लेकिन इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में तो वो अभी भी क्या दिखाई देगी आपको, बढ़ी हुई दिखाई देगी। जो चीज बढ़ाया है वो बढ़ा ही रहेगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना आपने बढ़ाया था। तो ये तो एक्शन रिएक्शन हुआ एक्शन का, और भी रिएक्शन होगा, क्योंकि सी बढ़ गई तो सी नीचे आएगा, सी अभी भी बढ़ी रहेगी, लेकिन
उसका जो बढ़ने वाला अमाउंट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। मान लीजिए आप बढ़ने वाला अमाउंट 2 टाइम्स हो गया, तो वो वापस कम होके कितना कोशिश करेगा, 1.5 टाइम्स। तो ओवरऑल इनिशियल वैल्यू के रेस्पेक्ट में तो वो बढ़ेगी, ई की कंसंट्रेशंस कम होगी और एफ की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी और जी की कंसंट्रेशंस बढ़ेगी। तो आपने सिर्फ एक फैक्टर को चेंज किया लेकिन उसका इफेक्ट सब जगह दिखने को मिल रहा है आपको। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। और अच्छी बात क्या है इसमें, दोनों ही रिएक्शंस फॉरवर्ड में जा रही है ना, तो ये भी फॉरवर्ड जा रही है फर्स्ट रिएक्शन, और सेकेंड रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाती हुई दिखाई देगी। लिख सकते हैं आप इन सबको। आपने एक एग्जाम्पल कर लिया, एक एग्जाम्पल और करो और बताओ। अब आपको बताना है कि क्या वास्तव में क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज को देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का। मान लीजिए इस बार ए प्लस बी रिएक्शंस हो रहा है सी एंड डी, ठीक है, ए प्लस बी सी प्लस डी में चेंज हो रहा है। चेक करो इसको। तो एक एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये एक साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, ए प्लस बी सी प्लस डी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ई प्लस एफ सी प्लस जी बना रहा है, दोनों में कॉमन रिएजेंट सी है, और एक्शन आपने ये किया कि ए आपने बढ़ा दिया, तो रिएक्शन ए तो बढ़ेगा ही, जो एक बार बढ़ा दिया वो बढ़ गया, ठीक है, उसकी वजह से बाकी रिएक्शंस क्या होगी। अब बताइए बी की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, सी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, डी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ई की कंसंट्रेशन ये बैकवर्ड में जाएगा, ई की कंसंट्रेशन जल्दी बोलें बढ़ेगी, एफ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और जी की कंसंट्रेशन घटेगी, कम होगी, क्योंकि सी बढ़ने के बाद इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो क्या ये टफ है? नहीं, टफ कहाँ है, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग में होता है, लिखें इसको। हमने साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ा कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, थर्ड नंबर का एग्जांपल लिखिए। क्या एग्जांपल है, एक सॉलिड है ए जो कि डिसोशिएट हो रहा है, मेरे साथ ही लिखेंगे, बी गैस और सी गैस बना रहा है, ठीक है, एंड एक और है आपके पास जिसमें ए अलग सॉलिड बी सॉलिड है, यहां आप एक काम करें एक्स लिखे और यहां वाई सॉलिड लिख लें, जो कि बी गैस बना रहा है, कॉमन गैस बना दिया एक बी और एक डी गैस बना रहा है कोई, तभी ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कहलाएंगे, क्योंकि दोनों में एक गैस कॉमन कर दी मैंने, ठीक है। इसके लिए जो केपी दिया गया है वो दिया है 1 × 10^2 एटीएम, और इसके लिए जो केपी दिया गया है वो है KP2 KP1, और ये दिया गया है आपके पास 3 × 10^2 एटीएम। तो यहां एटीएम स्क्वायर रहेगा यूनिट वाइज, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। कैसे सॉल्व करेंगे, करिए आप पहले एक बार। कंसेप्ट समझ ही चुके होंगे, ये एक पिस्टन सिलेंडर टाइप सिस्टम है जिसके अंदर दो इक्विलिब्रियम आपके साथ आ रहे हैं, आपने ये क्वांटिटी ली है एक्स की और एक क्वांटिटी ली है आपने वाई की, दोनों सॉलिड है। जब दोनों सॉलिड है तो अब आपके पास इक्विलिब्रियम कैसे मूव करेगा, एक्स बी प्लस सी बना रहा है, गैस गैस सॉलिड,
मान लीजिए ये डिकम्पोज हुआ और टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे डिकम्पोज होते होते यहाँ प्रेशर पी वन है इसका, तो इसका भी कितना होगा पी वन। दूसरी तरफ वाई भी डिकम्पोज हो रहा है और सी गैस बी गैस और एक डी गैस बना रहा है। मान लीजिए ये भी डिकम्पोज होते होते पी टू प्रेशर और ये भी पी टू प्रेशर, अगर ये दोनों अलग अलग कंटेनर में होते तो कुछ ऐसा देखने को मिलता, लेकिन क्योंकि एक ही कंटेनर में है तो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, मिलके कौन करेगा बी, बी दोनों जगह कॉमन है, तो एक्चुअल में यहां पर इक्विलिब्रियम प्रेशर जो इसका होगा वो पी वन नहीं होगा, पी वन प्लस पी टू, वहां का प्रॉफिट भी मिलेगा और दोनों को मिलेगा। तो यहां पर भी आपको वही करना पड़ेगा पी वन प्लस पी टू और ये पी टू इस तरह से, क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है, अगर एक कंटेनर में नहीं होते तो साइमल्टेनियस भी नहीं होते और आपको ऐसे अलग तरीके से करना होता। तो केपी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास पी वन मल्टीप्लाई बाय पी वन प्लस पी टू, और इसी तरह से केपी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी पी टू पी वन प्लस पी टू। तो यहां पर मेरे पास जो कैलकुलेशंस आ रही है उसमें सबसे पहले इक्वेशन वन और टू को मैं ऐड कर दिया, इक्वेशन वन प्लस टू को अगर ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा पी वन प्लस पी टू का होल स्क्वायर बन जाएगा दोनों को ऐड करते, और वो आपके पास हो जाएगा के पी वन प्लस के पी टू। के पी वन और के पी टू की वैल्यूज आप रख लीजिए जिससे आपको पी वन प्लस पी टू की वैल्यू आ जाएगी रूट, ये स्क्वायर उधर गया उस और गया, तो वन इंटू टेन की पावर टू, टू इंटू टेन की पावर थ्री इंटू टेन की पावर टू, तो इससे आपके पास पी वन प्लस पी टू की वैल्यू आ जाएगी टू इंटू टेन पावर वन यानी ट्वेंटी, 400 आएगा अंदर स्क्वायर रूट 20। अब आपसे पूछा ये नहीं जा रहा है पी वन पी टू, आपसे पूछा जा रहा है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, और ये चीज जो होगी वो पता है क्या होगा पी ए, कितने गैसेस सब्सटेंस है ए बी सी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, नहीं ए बी देखिए ध्यान से बी सी डी ये अपन ने लिया ही नहीं था, ठीक है तो हमारे पास क्या आ रहा है बी सी डी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो पी बी प्लस पी सी प्लस पी डी, बोलो क्लियर है। पी बी का प्रेशर कितना हो जाएगा आपके पास पी वन प्लस पी बी कहां पर है कॉमन है पी वन प्लस पी टू है कंटेनर में, पी सी कितना है पी वन और पी डी कितना है पी टू, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगी टू पी वन प्लस पी टू, और पी वन प्लस पी टू आप निकाल ही चुके हो 20, तो नेट आंसर आएगा 48। ये करिए देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं बहुत इजी है, दोबारा एक बार देखो ये क्वेश्चन दिया है टू सॉलिड्स कंपाउंड x एंड y यानी दो सॉलिड है, और ये सॉलिड जनरली आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड में ही दिए जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। डिसोशिएट एट ए सर्टेन टेम्परेचर एज फॉलोस, इस तरह से डिकम्पोज हो रहा है x गैस बन सॉलिड है जो कि b a और b गैस बना रहा है और y भी a b और c गैस बना रहा है, kp1 kp2 दिए गए, टोटल प्रेशर गैसेस ओवर ए मिक्सचर ऑफ x एंड y में पूछा जा रहा है, हमने सॉल्यूशन बनाया, हमें ये मालूम है, जल्दी से सोचते हैं x किस में डिकम्पोज हुआ है ए प्लस टू बी में, दिमाग में भी कर सकते हैं क्वेश्चन बहुत इजी है, और बी प्लस सी में, मान लीजिए इसका प्रेशर पी वन है तो इसका कितना बनेगा टू पी वन, मान लीजिए इसका प्रेशर पी टू है तो इसका कितना बनेगा टू पी टू, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियस है एक ही इक्विलिब्रियम में तो दोनों जगह कॉमन ले लेंगे पी वन, इसका कितना हो जाएगा टू पी वन प्लस पी टू, ये इसके साथ कॉमन रहेगा,
क्योंकि बी दोनों तरफ है, इसका इस तरफ ऐड होगा, इसका इस तरफ होगा, तो यहां पर भी 2p1 + p2 p2। तो इस तरह से आने के बाद आपके पास अब kp1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, kp1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास p1, 2p1 का स्क्वायर, 2p1 + p2 का स्क्वायर, और ऐसे ही आपके पास kp2 हो जाएगा p2 p1 + p2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये इस तरह से चलेगा। तो बस अब आपको क्या लिखना है, kp1 + kp2 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, कॉमन ले लीजिए, ये मेरे पास आ जाएगा 4p1 + p2 होल क्यूब। ये आ गया kp1 kp2 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 9 × 10⁻³ और 4.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 27/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³, 4 × p1 + p2 क्यूब। तो इससे मेरे पास p1 + p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 यहाँ आएगा, 8 आएगा, स्क्वायर क्यूब करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 × 10⁻¹, 10⁻³ का 10⁻¹, समझ में आ रहा है आपके पास। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.15 atm। आपसे पूछा जा रहा है पी टोटल, पी टोटल क्या हो जाएगा, pa + pb + pc, तो आप ही बताइए पी ए की वैल्यू कितनी है, पी ए की वैल्यू है p1, pb की वैल्यू है 2p1 + p2 और pc की वैल्यू है आपके पास p2। तो इस तरह से आपके पास 3p1 + p2 हो जाएगा, जो कि आपके पास 0.15 है, तो 3 × 0.15 हो जाएगा 0.45 atm। करिए इसको।